हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो अभी मुझे 100 बुखार है, 100 से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन खाना बनाना ही है ना। तो बच्चे गए स्कूल, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, और मैं अपने ड्यूटी पर लगी हुई। देखिए तो मैं हिम्मत जुटा के खाना बनाने के लिए उठी हूँ, तो चलिए बनाते। कल रात में तो बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाई मैं, मतलब मेरे हस्बैंड बना दिए। आवाज़ शायद थोड़ी धीमी आती है, उधर मशीन लगा हुआ है। हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है, काम करना है, मतलब करना है करना है। तो अभी मैं दाल भात भाजा और परवल आलू की भुजिया बनाऊंगी। और मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये भाजा का हम तैयार कर दिए हैं। अगर वायरल फीवर किसी एक को भी हो गया ना, तो अगले को होना ही होना है। तो अंकित को हुआ था, बेटे को मेरा, उसके बाद पीहू को हो गया, उसके बाद मुझे हो गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी बुखार है। अभी ड्यूटी गए हुए हैं, और ये मेरा बहुत काम का चीज़ है। इसे काट लेते हैं ड्यूटियाँ। कुछ भी हो, काम तो करना ही है। सर बहुत दर्द कर रहा है, गला में बहुत दर्द है, खांसी सर्दी नहीं है उतना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बना लेती हूँ। मैं आज बनाऊंगी परवल आलू का भुजिया, बैंगन का भाजा और दाल चावल, और कुछ भी बनाने का हिम्मत नहीं मेरे अंदर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, मेरी तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी, जिस दिन की मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उसका दिन नेक्स्ट डे का वीडियो है। इस दिन की तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, देख सकते हैं आँख वाँख फुला हुआ, क्योंकि सर्दी खांसी बुखार जो है ना, बहुत ज़्यादा जकड़ लेता ना, उस तरह से हो गया है। अभी भी गला मेरा भारी भारी है, कफ बहुत ज़्यादा है गले में, तो खांस रहे तो निकलता है फिर। तो दवा तो लिए हैं, अब फीवर वगैरह नहीं है। फीवर 103 तक पहुंच गई थी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि फीवर मैं देख रही थी, मेरा चेहरा आँख एकदम लहर रहा था। इस समय मेरा 102 से ऊपर फीवर था, लेकिन मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, नहीं तो एक बार लेट जाएंगे तो फिर लेट ही जाएंगे। और मैं फीवर देख भी नहीं रही थी, क्योंकि फुर्सत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शरीर जितना गर्म था, मुँह आँख बिल्कुल लहर रहा था, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन काम तो करना ही है ना। तो क्योंकि दिन भर आप कहीं से हमेशा बाहर से खाना नहीं मंगा सकते, तो एक दिन पहले मैंने जो दवाई खाई थी उससे बहुत पसीना हो रहा था, बहुत ज़्यादा। हालांकि पसीना से कोई कंफर्टेबल नहीं रह रही, ऐसा कुछ नहीं था, कोई अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा था। होता है कोई दवा का असर हो, तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा अभी भी गला बहुत भारी भारी सा है, क्योंकि गला अभी भी दर्द हल्का फुल्का है, और फीवर के कारण थोड़ी सी कमज़ोरी है, खैर ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था इसलिए। और अभी हम सब्ज़ी काट रहे हैं, बैंगन आलू की सब्ज़ी काट रहे हैं इसमें, बैंगन आलू मूली की सब्ज़ी। तो फटाफट से काट लेंगे सब्ज़ी ना, तो खाना भी जल्दी बन जाएगा। मैं बार बार अपना फीवर देख रही हूँ कि बहुत तेज़ तो नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो परसों से मुझे बुखार चढ़ रहा है, कल तो बहुत ज़्यादा हो गया था, कल 103 बुखार 103 से ऊपर हो गया था। वायरल चल रहा है उसके कारण। देखिए मैंने सर पे इतने सारा तेल डाल रखा है, मशीन लगाया, अभी काम तो करना है। सो गाइज, अभी ना बिल्कुल सर्दी से मन नहीं कर रहा था बोलने का, आपसे बात ही करने का, अभी भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन वीडियो 2 दिन पहले गया था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड कर ही देते हैं, जो देखने वाले वो तो कम से कम देखेंगे ही, अदरवाइज़ तो कोई देखते तो है नहीं।
फिर भी जो भी 25-30 लोग हैं जो देखने वाले हैं वो चलिए उनके लिए ही बनाते हैं। और मैं पनीर का पकौड़ा बना रही हूँ और बैगन का और मिर्ची का। तो पनीर बचा हुआ था तो उसका मैंने पकौड़ा बना लिया। और एक दिन पहले ना मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने बाहर से पनीर का सब्ज़ी ऑर्डर किया। 103 से ऊपर बुखार हो गया था, मुझे ना ख़राब हो चुका है बुखार के कारण। थोड़ा सा पकौड़ी बना रहे पनीर वाला और ये बैगन वाला, ये अंकित को खाना में देंगे खाने के लिए। और वैसे आज बनाए हैं देखिए आलू बैगन पुया साग होता है ना उसका, आलू बैगन पुया साग और वो ये मूली की सब्ज़ी। और इसमें अंकित का दाल और चावल दोनों गर्म कर रहे हैं क्योंकि अभी स्कूल से आए हैं। और इस तरफ पकौड़ी बनाते रहे, तो चाहे कुछ भी हो काम धाम करना, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है दवा खाए हैं तो। वैसे सर दर्द शुरू हो चुका है अभी मेरा थोड़ा बहुत, बुखार ना चढ़े बस। तो ये हमारा बहुत टेस्टी सा पकौड़ी जो है ना पनीर वाला और बैगन वाला तैयार है। चलिए इसको निकाल देते हैं और अंकित को खाना दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा पकौड़ी जो तो तैयार हो गया, इस पर काला नमक वगैरह छिड़क देंगे। लेकिन मुझे पता है मेरा मुँह का स्वाद जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे पनीर हो मिर्ची हो चाहे बैगन हो आलू हो जो भी हो, तो नहीं स्वाद आएगा, धीरे धीरे आएगा क्योंकि सर्दी खांसी बुखार सब एक साथ। थोड़ा सा काला नमक डाल दे रहे हैं दोस्तों। किसी तरह खाना बनाया और किसी तरह खा रहे हैं। तो ये अंकित का खाना निकाल रहा है, स्कूल से अभी आया है, हम लोग तो खा लिए किसी तरह से खाना पीना, तो क्या कर सकते हैं सर्दी है सो है। सो दोस्तों ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आलू बैंगन पुया साग और मूली डाल के टमाटर डाल के सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे इसमें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पकौड़ी इतनी अच्छी लगती है वो नहीं अच्छा लग रहा था। और अभी भी मुँह का स्वाद नहीं अच्छा आया है कि अभी बुखार ठीक हो चुका है फिर भी स्वाद नहीं लग रहा है। तो ये खाना तैयार है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा, वैसे ये टेस्टी लगता है। अभी इसमें थोड़ा सा अचार और पापड़ दे देंगे तो और अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।